यूपी के रायबरेली से खबर आ रही है। आपको बता दें कि ऊंचाहार थानेदार के विरोध में दर्जनों ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया प्रदर्शन। आपको बता दें कि जहां एक तरफ योगी सरकार लगातार सभी पुलिस अधीक्षक को आदेश करते रहते हैं कि कहीं भी कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ ना कर पाए और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले लोगों को कतई बख्शा नहीं ना जाए, अगर वही बात की जाए रायबरेली जनपद के ऊंचाहार कोतवाल की, तो पीड़ितों ने ऊंचाहार कोतवाल के विरुद्ध एसपी ऑफिस के सामने किया धरना प्रदर्शन और नारेबाजी। इतना ही नहीं, हाथों में तख्तियां लेकर गेट पर दे रहे धरना प्रदर्शन थानेदार के विरोध में एसपी ऑफिस में पीड़ितों का धरना। मुख्य गेट पर हाथों में तख्तियां लेकर बैठे दलित समाज के लोग थानेदार पर लगाए गंभीर आरोप। थानेदार को हटाए जाने व न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे दलित परिवार के लोग ऊंचाहार कोतवाल शिव शंकर सिंह के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना जारी। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अपटा मदरेटौरा बुजुर्ग के रहने वाले है पीड़ित। आपको बता दें कि मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अपटा मदरेटौरा बुजुर्ग का है, जहां कर मामूली बात को लेकर गांव के कुछ दबंग लोगों ने दलित लड़के को नहर में डुबो डुबो कर मारने का आरोप लगाते हुए ऊंचाहार कोतवाली में शिकायत किया था, जहां ऊंचाहार कोतवाली में पीड़ितों को न्याय न मिलने पाने पर वहीं दर्जनों की संख्या में दलित परिवार के लोगों ने पुलिस अधीक्षक की चौखट पर धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं पीड़ितों ने आरोप लगाया कि गांव के दबंग लोगों के ऊपर ऊंचाहार कोतवाल शिवशंकर सिंह दबंगों को सह दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि नवागत पुलिस अधीक्षक थानेदार पर क्या कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं आइए जानते हैं पीड़ितों ने क्या कहा। आप भी दुनिया पीड़ितों की दुमानी। एक धरने पे आप लोग इसके ऑफिस में बैठ गए साथियों। ये थाना ऊंचाहार दबंग सर जो ताना साहब ऊंचाहार थाना अध्यक्ष है, ये अपने आगे किसी पीड़ित परिवार की सुनता नहीं है, पीड़ित परिवार का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। थाने में ऐसे कई कांड हो चुके हैं, एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे पीड़ित परिवार का मुकदमा नहीं लिखा गया। अभी 25 तारीख को एक घटना किसुनी सराय का था जिसमें असल तहरीर बदल के उसके मनगढ़ंत तहरीर पर मुकदमा लिखा गया। आज ये तीसरी घटना जो है ऊंचाहार थाने की है, जहाँ पे 29 तारीख को पासी बिरादरी के लोग, दलित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग जो वहां पे दबंग सरन सामंतवादी लोग हैं, इनके बच्चे को नहर में डुबोते हैं और डुबो के जान से मारने की कोशिश करते हैं, गांव में दौड़ा दौड़ा के लाठी डंडों से, जिसका वीडियो वायरल हुआ, आज सभी पत्रकार बंधुओं ने उसको छापा, मगर ये ऊंचाहार थाना अध्यक्ष ने उन सामंतवादियों के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा। ये कब तक धरने पर रहेंगे? ये जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाता तब तक हम धरने पर रहेंगे। रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सटीक।